आप सबका स्वागत है फिर से जीनियस क्लास वही के सर में। और जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट कल बताया था, उसी प्रकार परसेंटेज का पार्ट टू, अगर किसी बच्चे ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट टू पे आइएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन बताए थे। अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने दो क्वेश्चन और लिखे हैं तो आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। राम की आय शाम से 12.5% अधिक है, तो शाम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? सेम यही वाला क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर तुलना जिससे की जाती है उसकी तरफ 100 मानना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं श्याम को एस लिख दूँ, एस फॉर श्याम, श्याम की आय 100 मान लूँ, तो जो राम की आय है उससे 12.5% अधिक है, ठीक है ना। राम की आय इससे 12.5% अधिक है, अधिक कर देंगे तो कितना जाएगा, 112 सही 1/2, 12.5% अधिक, मैंने ज़्यादा कर दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 का 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 और 1 225/2, ठीक, इतना समझ लीजिएगा। अगली बात जो आ रही है वो आ रही है, तो शाम की आय राम से, तो तुलना किससे करनी है, हमें तुलना करनी है राम से। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है राम से तुलना करनी है, तो राम से तुलना कीजिए, राम की आय यहाँ पे लिखिए, राम की आय है 225/2, नीचे लिखते हैं जिससे तुलना की जाती है, और ऊपर लिखते हैं जितनी ये इनमें जितना अंतर है, इनमें अंतर कितना है 12.5, 12.5 को आप 25/2 भी लिख सकते हैं, ठीक, और इंटू 100%, सिंपल हो गया ये। आप एक बार में भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको पूरा दिखाने के लिए करके दिखाया। 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, 25 से जाएगा 9 बार, ऊपर से जाएगा 1, 100/9 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 99 आएगा 11 बार, 11 सही 1/9%, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला वाला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। एक्स की आय वाई से जो है वो 20% अधिक है, कितनी अधिक है, एक्स और वाई दोनों को लिख दिया मैंने, वाई को अगर हम 100 मानेंगे तो एक्स हो जाएगा 120। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, तुलना वाई से कर रहे हैं तो वाई को 100 और एक्स की आय 20% अधिक है, 20% ज़्यादा कर दिया, तो 20 का अंतर है इसमें, ठीक है। y की आय x से कितनी अधिक है, तो x से तुलना करनी है, x का मतलब 120 को नीचे लिखिए और 20 का इनका डिफरेंस है तो 20 को यहाँ लिखिए और इंटू 100%, ठीक। प्यारे बच्चों ये कटेगा आपका 6 बार तो 1/6 हो जाएगा और 100/6 का मतलब 50/3 यानी कि 16 सही 2/3, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 16 सही 2/3%। ये दोनों आंसर हो गए इसी प्रकार। और क्वेश्चन आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दिया हमने, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो ये बहुत सिंपल है, 15% का आपको मतलब पता होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट 15% भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ, 15% का मतलब होता है, देखिए 10% का मतलब कितना होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर 5% का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए 15% का मतलब पहले पता लगा लेंगे। 2 संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब a-b और योग का मतलब a+b, ठीक है, 15% है योग का, 15% है, और का जो होता है ना, का को मैथ में इंटू से दिखाते हैं, ठीक है, का जहाँ भी लिखा हुआ है वो इंटू होता है, ऑफ, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ठीक है। 15% का मतलब आप समझ ही रहे होंगे प्यारे बच्चों, सिंपल सा इसको 15/100 कर दो चल जाएगा, तो ये कटेगा 5 के टेबल से 3/20, ठीक है। a-b अगर मैं 20 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 20a-20b बराबर 3a+3b, बहुत ज़्यादा जल्दी करना था हमको लेकिन मैं पूरा खोल के आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए मैंने आराम से किया है। बी वाले पार्ट के तरफ, बी वाले पार्ट को ले जाइए तो 20 उधर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 23b, ठीक है, और ए वाले को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 17a, a/b करेंगे तो वह हो जाएगा 23/17, यानी कि जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, a/b = 23:17, यही आपसे पूछा गया था। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अनुपात में भी मिलेंगे और परसेंटेज में भी, तो a/b/c जब निकालना हो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए तीनों में अलग अलग चीज़ दी है, यहाँ परसेंट है, यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ 1/5 है, तो तीनों ये परसेंट दशमलव भिन्न तीन चीज़ें दी हैं और तीनों को एक से एक जैसा कर लेना है आपको, सिंपल भिन्न में बना लीजिए। देखिए 30% का जो मतलब होता है वो होता है 3/10, तो मैं इसको लिख रहा हूँ a × 3/10 बराबर b × 0.25 यानी कि 54 कह सकते हैं 1/4 1/4, ठीक है, बराबर c × 1/5। देखिए सिंपल हो गया,
अगर हम यहां पर पूरे में ऊपर वन 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 कर दें, यहां वन है, यहां वन है, यहां वन नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तीन का गुणा कीजिए। देखिए यहां भी तीन का गुणा नीचे करना है, तीन का गुणा यहां भी और तीन का गुणा यहां भी, तो यहां तीन से तीन कैंसिल आउट, तो हो जाएगा ए बटे दस, वेरी गुड। यहां हो जाएगा बी बटे बारह, 4 × 3 = 12, और सी बटे 15। जब ऐसे करके बन जाए तो आपका अनुपात भी हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10:12:15, ये आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज में हम बता रहे थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल दिया गया है। यदि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। गुना का मतलब होता है जैसे 2 गुना 200%, 3 गुना 300%, 4 गुना 400%। कहने का मतलब ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लेना चाहेंगे तो अगर P और Q को लिख दूं तो तुलना हम कर रहे हैं किससे, Q से, तो Q को अगर 1 लेंगे तो P होगा 6, डिफरेंस होगा 5 का, सिंपल बात। तो Q P से तुलना किससे करनी है, P से, तो P को नीचे रखिए 6, और अंतर कितना है 5 का, और इंटू क्या आएगा आपका 100। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 100 को 6 से आप काटेंगे, तो आप सिंपली यहाँ परसेंटेज जरूर लगाना, ये मत भूल जाना, परसेंटेज लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 6 से जब इसको काटेंगे तो 3, और यहाँ हो जाएगा 50, 5 का 50 में मल्टीप्लाई 250, 250 का 3 में डिवाइड देंगे 249 आएगा, 83 बार, 83 बार आप चेक कर सकते हैं, 83 इज द 1/3, यानी कि 83 सही 1/3% इतना आपका आंसर। ये युगांतर अनुपात वाले नियम वाले, तो ये सिंपल है, कोई ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है। देखिए यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b+a / b-a का मान दिया। ठीक है, देखिएगा सिंपल ही, आप एक काम कीजिए, ए का 120% मैं यहाँ से डायरेक्टली काट दूंगा, आप समझ सकते हैं, मुझे पता है परसेंटेज, परसेंट को उड़ाया, ये 40 के पहाड़े से 3 बार, 40 के पहाड़े से 2 बार, कहाँ से कहाँ उड़ गया, यहाँ बचा a × 3 और वहाँ बचा b × 2, यानी कि a/b = हो जाएगा 2/3। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, पलट दूँ, तो b/a का मान हो जाएगा 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहते हैं CND रूल, इसे बोलते हैं CND रूल। ये क्या होता है, CND का मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, युगांतर अनुपात का नियम। तो इसमें एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है, b+a होता है और b-a होता है, यहाँ पर 3+2 होगा और 3-2 होगा, तो ये हो जाएगा 5/1, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 5। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नीचे वाला इसी प्रकार है ना, आप परसेंट से परसेंट को उड़ाइए, 0 से 0 को उड़ाइए, कहाँ से कहाँ उड़ाइए, यहाँ बचेगा 5b और यहाँ बचेगा 2a + 2b। ठीक है प्यारे बच्चों, 2b को उधर भेजिए तो 3b हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2a। लेकिन आपको एक बात और बता दूँ, हमें यहाँ पर चाहिए 2a के साथ ओनली b, तो 2a के साथ ओनली b ऐसे करके होगा, वहाँ पे क्या रह जाएगा 3, 3 के नीचे एक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सिंपल है। ठीक है, फिर से CND रूल लगाएंगे, बाय CND रूल, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो CND रूल लगाने के बाद क्या होगा, 2a + b / 2a - b, ठीक है, 3 + 1 हो जाएगा 4 और 3 - 1 हो जाएगा 2, चाहो तो इसे कैंसिल करेंगे, 1 ये 2/1, लेकिन इसे उल्टा करना है। आंसर देखिएगा, हमारा आंसर क्या मांग रहा है हमसे, माइनस वाला ऊपर होना चाहिए और प्लस वाला नीचे, तो आप इसको ऊपर नीचे करेंगे, उल्टा करेंगे, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो उल्टा चाहिए, 2a - b ऊपर चाहिए, इसलिए 1/2 आंसर। क्वेश्चन और लिखे हैं, वैसे तो बहुत सिंपल है, एक लाइन के हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा और करिएगा। देखिए 4500 के 5/9 के 36% का 27%, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4500 × 5/9 × 36%, अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो 36/100 लिखिए, ऐसी 27%। ठीक है, तो ये 00 से 00 गए, सही है, ये 5 के टेबल से 9 बार और ये 5 के टेबल से 20 बार, ठीक है, ये 9 से 9 चला गया, ये 5 के टेबल से 4 बार, ये 4 के टेबल से 36 है 9 बार चले जाएगा, 27 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 243 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा, 1000 के 25%। देखिए इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर 1/100 वाले तरीके से बता दे रहा हूँ, 1000 का 25%, 25/100 ठीक, का 1% 1/100, का 1% 1/100, ठीक है, ये 1 2 3 0 तो गए, 1 2 3 0 गए, 3 0 बचे, तो आप इसके नीचे जब डिवाइड देंगे 3 0 का, तो आप सिंपल समझ सकते हैं,
देखिए 25/100 होता 0.25 हो जाता, तो यहाँ हो जाएगा 0.025। ये आपका रिसर्च सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आ चुका है। यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, ठीक है ये बताना होगा हमें। तो 60% लड़के हैं तो इसका मतलब 40% जो होंगी वो लड़कियाँ होंगी, तो 40% की वैल्यू है वो 972 के बराबर है। आप इसे चार के टेबल से उड़ाएंगे तो 96 तो जाएगा 24 बार, बचा 12 तीन बार, तो 243 आ जाएगा 10% की वैल्यू। 10% की वैल्यू अगर 243 है तो हमें 60% की वैल्यू निकाल लेनी है, यही हमारे बॉयज़ की वैल्यू होगी, इतने ही लड़के होंगे, ठीक है। तो 60% का मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 3 का कीजिए, 243 में 3 का करूँगा तो 729 हो जाएगा, 729 का डबल कीजिए 1458, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने आपके हमने पार्ट टू में आपको बता दिया है, थोड़े बहुत नए टाइप अलग डाले, ठीक है। इसमें हमने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने लेवल को ग्रो अप करना है और धीरे धीरे परसेंटेज को पूरा अच्छे से सीख लेना है। परसेंटेज का कोई भी सवाल कहीं से भी आए किसी भी एग्जाम में मैथ्स के पेपर में, तो आपको उसको ठीक से करके आना है। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए रेडी रहें। इसका पार्ट 3 हम आपको कल दे देंगे।